फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। व्हाट्सएप हैक कर ठगी करने वाले दो धोखेबाजों को झारखंड से गिरफ्तार किया सहादरा की साइबर थाने की टीम ने। डीसीपी आर सातिया सुंदरम ने मंगलवार की दोपहर 3:25 पर मीडिया को बताया कि साइबर पुलिस थाने को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 20/10/2022 को उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसने अपने आप को जियो का ग्राहक सेवा अधिकारी बताया, कहा कि आपके जियो के नंबर पर नेट कैसा चल रहा है और उसकी स्पीड बताएं। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि उसने एक नंबर डायल करने को कहा, जैसे ही वह नंबर डायल किया तो उनका व्हाट्सएप हैक हो गया और उनके अकाउंट से 1,20,000 रुपए कट हो गए, जिसके बाद मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 123/22 धारा 419 420 120B/34 IPC के तहत मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए ऑपरेशन सेल के ACP महेंद्र सिंह के निर्देश पर SHO संजय ने एक टीम बनाई थी। इस टीम के अंदर SI नंदन सिंह हेड कांस्टेबल, हितेंद्र हेड कांस्टेबल अच्छे, हेड कांस्टेबल राजेश इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने जांच चालू की और पता चला कि शिकायतकर्ता के अकाउंट से जो पैसे कटे हैं और वह जिस अकाउंट में गए हैं उसका नाम प्रदीप कुमार पुत्र मोहनलाल है, जो कि झारखंड का रहने वाला है। साथ ही ये भी पता चला कि जिस व्यक्ति ने व्हाट्सएप हैक किया था उसके IP नंबर ट्रैक किया तो वह नंबर पाया गया मोहम्मद रिजवान के नाम से, जो कि रहने वाला झारखंड का है। जिसके बाद पुलिस टीम झारखंड पहुंची और 19 तारीख को इन दोनों आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया और इनको 21 नवंबर की दोपहर को दिल्ली लाया गया। आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया और जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने अब तक 23 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। पकड़े गए आरोपियों के नाम, पहला प्रदीप कुमार पुत्र मोहनलाल रहने वाला झारखंड का है, इसकी उम्र 24 वर्ष है। दूसरे आरोपी का नाम मोहम्मद रिजवान पुत्र मोहम्मद इस्लाम रहने वाला झारखंड का है, इसकी उम्र 26 वर्ष है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 6 बैंक के डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। आरोपियों से की जा रही है पूछताछ।